नमस्कार, कॉटन कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मंगलवार 4 मई। सबसे पहले वेबिनार अपडेट। इस शनिवार को हम कॉटन कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक वेबिनार आयोजन कर रहे हैं। अकोशिया और एनसीडीएक्स के साथ मिलकर ये कॉटन कॉम्प्लेक्स के ऊपर वेबिनार रहेगा, जिसमें हम प्राइस आउटलुक, फंडामेंटल्स, इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन, सीजन आगे कैसा रहेगा और एक्सपर्ट ओपिनियन, इसके ऊपर ये सेशन रहेगा। इस सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए नीचे दिए गए लिंक और नंबर पर आप फोन करके रजिस्टर कर सकते हैं। कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहा, जहां हमने कॉटन को भी 22,000 के नीचे ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। कपास साइडवे था, जबकि कॉटन सीड ऑयल केक की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने 4.25% की मई वायदे में गिरावट बनते हुए देखी है। टेक्निकली भी हमने देखा हार्मोनिक पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, जिसके चलते ये प्रेशर बना हुआ है। साथ में हमने देखा कि कॉटन प्राइजेस में थोड़ा ड्रॉप है, जिस से सीओ सीपीसी की जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे बताया जा रहा है कि कंजम्पशन 303 लाख बैल रहेंगे, जो डाउन है पिछली बार के मुकाबले जो 330 लाख बैल था। थोड़ा बहुत सपोर्ट चाइना से मिलते जा रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल में चाइना कंटिन्यू कॉटन की बाइंग कर रहा है। क्लोजिंग स्टॉक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रोजेक्टेड है 98.79 लाख बेल्स, जो करीबन मैक्सिमम साइड में 118 भी हो सकता है, जिसके चलते प्राइस में थोड़ा दबाव है। बट एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि धीरे धीरे, जैसे IIT वालों ने कहा है कि कोरोना का जो कंसर्न है वो मई 20 तक पीक कर जाएगा और जून तक खत्म हो जाएगा, कम होना चालू हो जाएगा, जिसके चलते हमें लगता है अगले हफ्ता 10 दिन और मार्केट में थोड़ा कंसर्न रहेगा कोरोना को लेकर। बट जैसे जैसे हम जून की तरफ बढ़ेंगे, चीजें कूल डाउन होते हुए जाएगी और डिमांड फिर से इम्प्रूव होगी। सिमिलरली चाइना नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन ने एक अपडेट भी दिया है कि एडिशनल 7 लाख टन कोटा कॉटन इंपोर्ट का इस बार उन्होंने रखा है, जो कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे सेंटिमेंट पॉजिटिव करता हुआ दिखाई देगा। जिस ढंग से राजस्थान के कुछ एरियाज में लॉकडाउन काफी स्ट्रिक्ट हुआ है, कॉटन सीड ऑयल केक के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखा है। टेक्निकली मार्केट थोड़ा ओवरसोल्ड दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा बाउंस आज के सेशन में मिल सकता है सभी एक्टिव में, लेकिन अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जिसके चलते प्राइजेस में दबाव का रुख ही कंटिन्यू रहेगा। स्विंग एरिया अगर कॉटन की बात करें तो इस पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे प्राइजेस बढ़े हैं, ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रह सकता है कॉटन के लिए। बट एज ऑफ नाउ डिमांड निकल के नहीं आ पा रही, जो मुख्य कारण है जिसकी वजह से प्राइजेस में दबाव है। चार्ट के लिए हमने देखा कि 22,000 के ऊपर प्राइजेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है अप्रैल ऑनवर्ड्स ही। जब तक फ्रेश 22,000 के ऊपर नहीं निकलता है, कोई बड़ी फ्रेश बाइंग नहीं आएगी, और डाउनसाइड भी सपोर्ट जो है वो 21,500 तक का एक सपोर्ट रहेगा। वहीं आइस कॉटन की बात करें तो हमने ऑलरेडी 87-88 का सेंट लगते हुए देखा, उसके बाद प्राइजेस थोड़ा सुस्त है। एज ऑफ नाउ हमें दिखाई देता है कि 50 मूविंग एवरेज काफी इंपॉर्टेंट है, प्राइजेस 50 से लेके 200 के बीच में ही मूव करते हुए दिखाई देगी, जो कि 83 से लेके 87 सेंट के बीच में ही मार्केट मूव करेगा। वही कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर हम बात करें तो प्राइजेस ने 2,900 से काफी बड़ा फॉल आते हुए देख लिया है, लेकिन प्राइजेस 200 डे मूविंग एवरेज पे जाकर रुका है। तो 200 मूविंग एवरेज पे मतलब 2,440-50 पे एक होल्ड किया है। अगर प्राइजेस फर्दर इसके नीचे निकलता है तो ही हम बड़ी गिरावट देखेंगे, जो 2,330 तक का लेवल दिखा देगा, नहीं तो मार्केट 2,300 से लेकर 2,400 की रेंज में आए तो वहां पे लेके चलेंगे। हार्मोनिक पैटर्न एक फॉर्मेशन हुआ है कॉटन सीड ऑयल के एक जून वायदे में, जिसने 2,560 का लेवल तोड़ चुका है। इसके नीचे होल्ड होने पे हम 2,300 से 2,350 तक के भी लेवल देख सकते हैं। बट ध्यान रखिए, जो भी गिरावट आनी है वो ये हफ्ते में रहेगी, अगले हफ्ते से प्राइजेस के अंदर एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।